अब तू बड़ी हो गई है, लोग तुझे देखने आएंगे, तेरी शादी होने वाली है। मान लो अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं करे तो? यूं नहीं कहते, क्यों नहीं पसंद करेंगे? तूने मैट्रिक पढ़ा है, देखने में अच्छी है, घर का काम जानती है। फिर मान लो अगर मैं उन्हें पसंद नहीं करूं तो? वही उल्टी सीधी बात। अरे तेरी दीदी ने लिखा है लड़का बहुत ही अच्छा है, उससे तेरी शादी हो जाए ना तो बस तेरे भाग खुल जाएंगे। तो क्या अभी मेरे भाग बंद है? और लिखा है लड़का विलायत से पास होके आया है, 2,000 तनख्वाह है उसकी। मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं भी पढ़ूंगी BA MA LLB और जितनी भी पढ़ाई हो। फिर बाबूजी से कहूंगी तुम घर बैठो, मैं स्कूल की हेडमास्टर बनूंगी, मुझे एक चश्मा बनवा देना। चुप, हमेशा बकबक करती रहती है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, ये देखो। देख, साफ सुथरी रहा कर, हमेशा बाल संवार के रखा कर, आंख में काजल डाला कर, 4 नाखून काटा कर, 5 खाना खाते हुए चुप रहा कर, 6 नजरें झुका कर चला कर, 7 मुंह फाड़ फाड़ कर मत हंसा कर, 8 चुप। जब देखो बक 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 बक, भगवान ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। लेकिन भगवान ऐसी माँ हर एक को दे। और माँ, मैं तुम्हारी बेटी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ बेटा। देख तेरे बाबूजी आ गए। गीता बेटी, एक गिलास पानी का ले आ। भाई, लड़का सचमुच बहुत ही अच्छा है, इतना मिलनसार, हसमुख, इतना मीठा, कौन कहेगा ये विलायत से पास करके आया, और अहंकार तो छू तक नहीं गया उसे। ला बेटी, हमारे बाग में से गुलदस्ता भोरे जी के बंगले में दे आना आज। हाँ, हाँ। उसे शाम को बुलाया है ना? वो तो भूल ही गया मैं। लो, कभी कोई भी काम ठीक से किया तो बेटी तू ही कह देना है कि शाम को हमारी यहाँ चाय पर आए, और वही साड़ी पहन। मैं दीपू को भेज दूंगी, वही दे आएगा गुलदस्ता। नहीं बेटी, मेहमान को खुद ही बुलाने जाते हैं, तू ही जाना, और वही साड़ी पहनना जो दिवाली में खरीदी थी है? और उधर बिल्कुल शैतानी नहीं करना, इंजीनियर साहब के सामने तमीज से रहना। वो विलायत में रहकर आए ना, बड़े गुस्से वाले हैं। बंगले में आम के पेड़ है ना, उस पर बिल्कुल नहीं चढ़ना, बुरी बात है दीपू। और जाते ही अंग्रेजी में गुड इवनिंग कहना, उनसे दूर खड़े रहना। अगर कोई हंसने की बात हो ना तो खी करके दांत फाड़ फाड़ कर मुंह नहीं दिखाना। क्यों, आजकल तो मैं रोज दांत साफ करता हूँ। अरे बुद्धू, दांतों के लिए नहीं, बड़ों के सामने हंसना बुरी बात है। अगर कोई हंसने की बात हो ना तो सिर्फ मुस्कुराना, देख ऐसे। चल। क्या माली की लड़की हो? मैं हेडमास्टर पीताम्बर चौधरी की छोटी लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, सो सॉरी, मैंने सोचा फूल लेकर आई हो शायद। आओ बैठो, आओ ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्त, तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है। चाय पियोगे या ठंडा? चाय जी। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका जवाब होना चाहिए जब तक चाय बनकर आए, ठंडा मंगवा दीजिए। हाँ दीदी। नहीं। अच्छा तुम ये चलते फिरते हाथ क्या हिला रहे थे? मैं कंकड़ मार मार कर कौवे उड़ा रहा था। कौवे तो यहाँ है नहीं। कंकड़ भी यहाँ नहीं है। मैं राग मालकंस गा रहा था। असल में मुझे पक्के गाने बहुत पसंद हैं। इनमें जीवन के हर रस को बखूबी पेश करने की कला छिपी रहती है। जैसे यमन कल्याण को ही लो,
शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है, आसमान नीले से नारंगी रंग का हो जाता है, चारों तरफ शांत वातावरण छा जाता है, पंछियों के झुंड अपने अपने घर वापस लौटते हैं, इंसान भी दिन भर के काम के बाद हल्के मन से वापस लौटता है, उस वक्त मन की जो स्थिति होती है, उसे यह राग जिस बखूबी से पकड़ता है, दबा हुआ औरोह, तीव्र शुद्ध मध्यम और निषाद का धूप छांव जैसा खेल, तुम्हें संगीत पसंद नहीं? आप वाला संगीत नहीं। तो तुम्हें कौन सा संगीत पसंद है? वाला कह दो ना दीदी, चंपा दीदी की शादी में ढोलक पर जो गाया था। चुप रहे। अरे उस पर क्यों बिगड़ती हो? लोकगीत भी क्या पक्के गानों से कुछ कम है? लोकगीतों में तो धरती की भीनी सुगंध रहती है। और अच्छा छोड़ो गानों की बात, तुम्हारी जगह बहुत अच्छी है। आज गया था एक तालाब पर, नीली झील, कितना शांत वातावरण था और चारों तरफ हरियाली, ऐसा लग रहा था जैसे पुरिया धानेश्री के सारे साज। अच्छा और कौन कौन सी जगह है देखने लायक? शंकर जी का मंदिर, राम का टीला, जमुना बाग और वो बरगद का पेड़। हाँ धौली का बरगद, 300 साल पुराना पेड़ है। अच्छा और पल्ली पार वाला अमरूद का बाग। चुप रहे, वो भी कोई देखने की जगह है। ये छोटा भाई है तुम्हारा? अरे तुम लोग बैठो ना। ये दीपू है, हमारे घर के पास रहता है। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो दोस्त? तीसरी पास करके चौथी में आया हूँ। अच्छा और आप? मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, कोई गूंगा है मुंह से बोल नहीं सकता और उसे पानी चाहिए, क्या करेगा? करेगा क्या, ऐसे मांगेगा? समझदार है। और एक अंधा है, उसे कैंची चाहिए, कैसे मांगेगा? क्यों भाई वो अंधा है, गूंगा थोड़ी है, सीधा मुंह से बोलेगा कैंची चाहिए, क्यों दीपू? चल दे। अरे वो चाय, रामजनक। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, मैं तो गुलदस्ता देने आई थी, पिताजी ने कहा था देने को, शाम को घर पर बुलाया है चाय पीने, माँ ने कहा है। चल दे। गुलदस्ता कुर्सी पर पड़ा है, उसे किसी फूलदानी में लगा दीजिए। अरे हाँ सॉरी, जरा रुको तो सही, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। गीता। और मेरा नाम मास्टर दीपक कुमार अग्निहोत्री। दीपक कुमार अग्निहोत्री, आप रोशनी फैलाते हैं, बहुत अच्छा नाम है। चल सुनो दोस्त एक मिनट और, अरे मकान कहाँ है वो तो बताया ही नहीं। इस बड़े रास्ते से सीधे जाकर जो दाएं हाथ की तरफ पहला मकान है ना, वही हमारा मकान है। अच्छा दोस्त मैं आ रहा हूँ शाम को चाय पीने। अच्छा लो बेटा ये मिठाई लो, ये मिठाई भी गीता ने ही बनाई है। कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं अकेला ही हूँ, माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए। अच्छा अच्छा, अरे देखो चाय ही पीने लगे, मेहमान को तो पहले पीने दो। पता नहीं स्कूल में क्या सिखाता। अरे तो इसमें क्या हुआ, नहीं नहीं आप चाय पीजिए हेडमास्टर साहब, वैसे भी मैं ठंडी ही पीता हूँ। नहीं बेटा पहले तुम पियो। अच्छा चाय भी गीता ने बनाई है। क्या हुआ, शक्कर कम है? जा तो बेटी रसोई में से शक्कर ले आता। जी हमेशा कम शक्कर डालती है वो। कितना समझाती हूँ कि अरे मैं शक्कर कम लेती हूँ तो क्या दुनिया कम शक्कर लेगी? ये बात नहीं, शक्कर हाँ हाँ तो इनका कप तुम्हें दे दिया है। ये शक्कर बिल्कुल नहीं लेते, डॉक्टर ने मना किया है। जा तो बेटी कटोरी में जल्दी थोड़ी शक्कर ले, हो जाती ना गड़बड़ी, शक्कर वाली चाय पी लेते अभी। बेटा तुमने ये समोसे तो लिए ही नहीं, ये भी गीता ने बनाए हैं। नमकीन तो इतना अच्छा बनाती है कि क्या बताऊं। ये क्या समझते हैं कि तुझे चाय बनानी भी नहीं आती? चल डाल दे शक्कर। जी नहीं शक्कर नहीं चाहिए। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, डाल डाल। नहीं नहीं पहले ही शक्कर बहुत ज्यादा है इसमें।